जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखो, आज का जो क्लास है वो आप लोग का हिस्ट्री में जो मेजर होगा, माइनर होगा और मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ठीक है। सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। मैंने आप लोग को टेलीग्राम में बता ही दिया था कि आप लोग को जो 4 बजे से क्लास होगी, ठीक है। थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। देखो, बात यह है ना कि हम थोड़ा सा चले गए थे, मार्केट चले गए थे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग का क्लास में 5-10 मिनट लेट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पहले करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे, ठीक है। इसी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। मेजर वाले बच्चे, माइनर वाले बच्चे और एमडीसी वाले बच्चे, सभी बच्चे चुपचाप यहाँ से करेंगे। जो भी मैं कराऊंगा सारा बीबीआई क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम से रिलेवेंट। ओके, नाउ कैन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का निकल के सामने आता है, इस सिंधु सभ्यता के जो है अवशेष का। देखिए, आवाज़ जो आप लोगों को थोड़ा सा कम जा रहा होगा, आप लोग एयरफोन लगा के क्लास करेंगे बेहतर होगा, ठीक है। बाकी मैंने आवाज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है, मेरा तबीयत अगर ठीक हो जाएगा तो आपका आवाज़ फ्रेश आने लगेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता के अवशेष, यानी सिंधु सभ्यता में जो अवशेष मिला है पुराने समय का, जो हम लोग को छाप मिला है पुराने समय का, उसका जो सर्वप्रथम पता लगा था, कब लगा था, किस ईस्वी में लगा था, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो 1921 में, या फिर 1923 में, या फिर 1927 में, या फिर 1931 में, कब पता लगा था सिंधु घाटी के अवशेष के बारे में? तो 1921 में पता लगा था, और इनका पता कौन लगाए थे आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं लेके, ठीक है। दयाराम सानी, नंदराम सानी, और ये दोनों में से आप लोग कौन से बताना है, ठीक है, कि किसने पता लगाया था 1921 में, दयाराम सानी या नंदलाल सानी, ठीक है। चलिए, वो आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दोनों में क्वेश्चन देखो, कहते ठीक हैं कि वस्तुनिष्ठ जो पुरोहित स्रोत, सॉरी, वस्तुनिष्ठ जो आप लोग का पुरातात्विक स्रोत में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? जो पुराने समय का ऐसा चीज जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, पुरातात्विक उसको कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या था इस चार चीज में से? स्मारक है, मिट्टी के बर्तन है, सिक्के है और अभिलेख है, ठीक है। स्मारक हो गया क्या, जिसमें किसी बड़े आदमी को दफनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन वो आप लोग को पता ही होगा, सिक्का तो आप लोग को पता ही होगा, और बाकी वही अभिलेख। अभिलेख क्या होता था, जो इतना छोटा छोटा जैसे चौखुट हो गया, ठीक है, उस पर क्या कुछ चीज को लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके गांव में अभी क्या होता है, रोड बनता है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखा रहता है ना, वही हो गया क्या, ऐसे का अवलेप हो गया, ठीक है। तो खैर, उसको छोड़ो, यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका आंसर बताइए। दोनों में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभिलेख हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है पुराने समय का, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है पराजित नंद वंश का शासक था, पराजित किया गया था चंद्र मौर्य की तरफ से, किसको? नंद वंश को। तो नंदवंश का कौन सा शासक था, उसका नाम क्या था? यहाँ पे आप देख सकते हो, अग्रसेन दिया हुआ है, घनानंद दिया हुआ है, कैवर्त दिया और भूतपात दिया हुआ है। तो नंदवंश का किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो 3 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था, जो कि घनानंद किस वंश के थे, तो नंद वंश के थे, ठीक है। आपको ये कनेक्शन करके याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, और घनानंद किस वंश से थे? नंदवंश से, ठीक है। इस तरह से आप लोग को रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल, वैदिक के समय के काल को क्या ऋग्वैदिक काल कहते हैं? तो ऋग्वैदिक काल में जो है राजा का सबसे जो है महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? उस समय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हुआ करता था राजा के अकॉर्डिंग? सेनानी, या फिर पुरोहित जो कि पंडित जी रहते थे उसके दरबार में, या फिर प्रजापति, या फिर अग्रसेन। तो इस 4 ऑप्शन में से आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट कर दीजिए नीचे, नहीं पता हो तो आप लोग यहाँ पे लिख लो। तो पुराने समय में जो पंडित को, जो पुरोहित को, वो लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी मानते थे, ठीक है। वो जो बोलते थे वही बात वो करते भी थे, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है पराजित आप लोग का ग्रीक भाषा था, ग्रीक शासक, सॉरी, ग्रीक भाषा नहीं, ग्रीक शासक जो था वो कौन था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित किया था, जो कि ग्रीक का शासक था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिकंदर, कर्स, मिनेंडर और सेल्यूकर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सर्च करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सेल्यूकर जो है, जो कि कहाँ का शासक था, ग्रीक का शासक था, ठीक है, जिसको किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते कि बड़ा मिहिर थे क्या, एक भूगोल वेत्ता थे या एक ज्योतिषचार्य थे? भूगोल वेत्ता क्या होता है, जो भूगोल के बारे में यानी कि ज्योग्राफी के बारे में जो जानता हो, ज्योतिषचार्य जो कि मतलब आगे पीछे का सबको देखता हो ज्योतिष में, उसको कहते हैं। गणितज्ञ आप लोग को पता ही होगा, जो मैथ में
होते हैं और इतिहासकार इतिहास के बारे में लिखते हैं। तो वराहमिहिर जो है वो क्या थे, इस चार ऑप्शन में से आप लोग को चूज करना है। देखो आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ऐसे अगर हिस्ट्री का एग्जाम होगा तो हिस्ट्री का कोई बड़ा आदमी होगा, उसका सिंपल सी बात है आप लोग अच्छे का क्या हो? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वराहमिहिर जो थे बहुत बड़े क्या थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन ही पूछ देता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा लिखा गया है, फिर आप लोग को गुस्सा भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे गजपट रहेगा तो चलो हटाते हैं। वराहमिहिर जो है क्या थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 7 में क्वेश्चन देखिए और आप लोग सोचिए इस पर क्या आंसर सही होगा। ठीक है, कहते हैं कि सातवाहनों का संस्थापक कौन था, बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन है, सातवाहनों का संस्थापक कौन था, कृष्ण है, सिमुख है, शतको प्रथम है, या फिर गौतमी पुत्र है। चार ऑप्शन मैंने आपको दिया, लेकिन सातवाहन का संस्थापक कौन था, तो सिमुख जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सातवाहनों का संस्थापक सिमुख, सातवाहनों का समाहक सिमुख था, सिमुख जो है सातवाहनों का संस्थापक। तो इस तरह से आप लोगों को याद कर जाना है। ठीक है, आगे भी कनिष्क ने जो स्थापित किया था किस चीज को, शक संवत को, या फिर विक्रम संवत को, या फिर गुप्त संवत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क द्वारा क्या स्थापित किया दिया गया था, शक संवत जो मुख्य रूप से कनिष्क के द्वारा ही लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। सोमनाथ पर कितने आक्रमण, किसने आक्रमण किया, देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग को मुझे लग रहा है 50 बार एग्जाम में पूछ दिया होगा, 50 एग्जाम में भी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ग्रेजुएशन का एग्जाम, सब चीज में ये क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया, गजनवी ने किया, गोरी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, इनमें से कोई नहीं किया। तो किसने किया था, गजनबी ने किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर किस लिए आक्रमण किया था, क्योंकि वहां पे जब बहुत ज्यादा सोना आभूषण था, इसलिए उसको चुराने के लिए वहां पे क्या करता था, आक्रमण करता था। ठीक है, उसको लूटने के लिए। आगे देखिए, कहते हैं कि समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी जो है के लिए प्रमुख स्रोत है आप लोग का क्या चीज, समुद्रगुप्त का जो विजय की कहानी है उसको हम लोग किस स्रोत से जानते हैं, मुद्रा के स्रोत से, या फिर साहित्यिक ग्रंथ के स्रोत से, या फिर प्रयाग प्रशस्ति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन मैंने आप लोग को दिया है, लेकिन इसमें से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से जो है हम लोग समुद्रगुप्त के विजयों की कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 11 में क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तक हम पानी पी लेते हैं, आप लोग कमेंट इसका करेंगे क्या राइट आंसर होगा, फिर रिपीटर क्या है बताइए मुझे कमेंट में। देखिए त्रिपिटक आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे नीचे में, त्रिपिटक आप लोग का जैन धर्म ग्रंथ है, या बौद्ध धर्म ग्रंथ है, या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, या फिर फारसी धर्म ग्रंथ है। आप लोग को पता होना चाहिए त्रिपिटक जो है क्या है, एक बौद्ध धर्म का क्या है, बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ, जिसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सिंधु घाटी और आप लोग का निवासियों के प्रमुख देवता कौन थे, सिंधु घाटी और वहाँ के निवासी जो थे। ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए ग्रेजुएशन का क्वेश्चन कहाँ पूछा था, बिहार पुलिस में। तो आप लोग को इसका आंसर सही जाना अगर रहेगा तो आप बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, सोचो। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति और मातृदेव। पशुपति किसे कहते हैं, जो शंकर जी की पूजा करते हैं उसी को हम लोग पशुपति कहते हैं। ठीक है, और पशु की जो पूजा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पशुपति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि आर्यों ने जो सर्वप्रथम संकलित किया था, किस चीज को संकलित किया था, आर्य, यानी कि आर्य किसको कहते हैं, हमारे प्राचीन समय के जो भारतीय थे उसको हम क्या किस नाम से पुकारते हैं, आर्य पुकारते हैं। ठीक है, तब तो मेरा भारत का नाम पहले क्या था, आर्यावर्त है, भारत खंडे या है ना, गीत में कहता है ना उसी चीज। तो सर्वप्रथम किस चीज का संकलित किया था, अथर्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, या फिर ऋग्वेद का। ये तो आप लोग को बहुत ज्यादा बच्चे को आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं भारत में जो है 16 महाजनपद विकसित हुए थे, यानी कि 16 महाजनपद को बनाया गया था, लेकिन उसमें से अगर हम देखें, चलो इसको हाँ अरे पीछे चल गया, तो ये जो है कब विकसित हुआ था इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो 6ठी शताब्दी में जो है आप लोग का ये विकसित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में भी। आगे देखिए 15 में क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मेगास्थनीज था, ये तो सभी बच्चे को पता होगा, हम नहीं बताएंगे तो भी बना लोगे तुम, चीनी यात्री, यूनानी यात्री, फारसी यात्री, या फिर तुर्की यात्री। जो बच्चे को नहीं याद होंगे वो बच्चे याद कर लेंगे, वो यूनान के यात्री थे जो कि भारत आए थे। ठीक है, राजदूत के दरबार में भी उन्होंने रहा था। ठीक है, 16 में क्वेश्चन देखेंगे, तथा आर्यभट्ट जो है
वो क्या थे, ये तो बच्चा बच्चा जानेगा, गांव का गली का हर एक बच्चा जानेगा, रोड पर का, ठीक है। संगीतज्ञ थे या दार्शनिक थे, इतिहासकार थे या फिर गणितज्ञ थे, आप लोग को पता होना चाहिए। वो क्या थे, इतिहासकार थे क्या? नहीं, गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए 16 नंबर भी हो गया, चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। कहता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र स्रोत है वो कहाँ से, मौर्य प्रशासन के लिए, क्योसान काल के लिए, या गुप्त पुनर्जान जागरण के लिए, या फिर हर्षकालीन प्रशासन के लिए? तो इसको आप लोग राइट आंसर करो कमेंट में जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य प्रशासन काल के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। कहते हैं कि गुप्त शासन पद्धति जो है थी किस टाइप की, प्रजातंत्रिक थी या राजतंत्रीय थी या धर्म आधारित थी या फिर इनमें से कोई नहीं? गुप्त शासन काल किस चीज पे था? प्रजातंत्र यानी कि एक राजा हो गया उसके अंदर प्रजा रहता है, राजतंत्रीय हो गया, या फिर धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर था, किस टाइप से था कमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो था राजतंत्रीय था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो 19 नंबर क्वेश्चन एक कहता है, चीनी यात्री ह्वेन संग जो है भारत भारत में भ्रमण किया था किसके काल में? ये बहुत ज्यादा वीवीआर क्वेश्चन है, मुझे लगता है हम बचपन से इस क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, क्योंकि बचपन से हिस्ट्री जब पढ़ते थे उसी समय से क्वेश्चन मैंने देखा है। देखो अभी आपके एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अशोक के शासनकाल में, या कनिष्क के शासनकाल में आए थे, या फिर चंद्रगुप्त के शासनकाल में? देखो ये याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भूल जाओगे, इसलिए क्या करें, सब क्लास को रिपीट करते रहना, ठीक है। 2 दिन 3 दिन पे इसको क्या रिविजन मार देना यहीं से आराम से, ठीक है। क्लास को 2x पे लगा के स्पीड में आराम से देख लिया करो, ठीक है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हर्ष के शासनकाल में, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना इसको। देखिए 20 नंबर देखिए कहता है महमूद गजनी जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया का सर, सब आप बोल रहे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बताओ तुम मुझे। चलो पीछे कहाँ चल जाता है क्वेश्चन देखिए। हाँ अरे यार चलिए, हाँ तो ये कितने बार आक्रमण किया था? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने। लेकिन आगे देखिए, पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है मृतकों का टीला कहलाता है? मृतकों का टीला के नाम से किस जगह, कौन सा जगह प्रसिद्ध है, हड़प्पा, चंदरो, मोहनजोदड़ो, या फिर कालीबंगा? ये बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, चार्ट जाना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो आप लोग का मृतकों के टीला के नाम से विख्यात है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप चलो यहाँ से आगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लें क्या, देखते हैं करके, अगर हो सकता है तो ठीक है, चलो हो गया। तो उपनिषद के महत्व को बताना ही बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। कहते हैं कि उपनिषद का जो है भारतीय दर्शन के इतिहास में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण स्थान होता है किसका, उपनिषद का, ठीक है। कहते हैं कि भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का स्रोत जो है क्या, उपनिषद है। भारत में विभिन्न प्रकार के जो भी प्राचीन में मिल रहा है ना अभी समय जो देखने को मिलता है, वो सब चीज कहाँ निहित है, उपनिषद से ही निहित है, ठीक है। कहते हैं ब्लूमफील्ड ने कहा है कि नास्तिक बौद्ध मत को लेकर, नास्तिक जो कि भगवान को नहीं मानते थे, बौद्ध मत को लेकर हिंदू विचारक जो हो गया कोई भी महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं है जिसका मूल उपनिषद में ना हो। देखिए कहना चाहते हैं ये कि जिस तरह से जो है नास्तिक यानी कि जो भगवान को नहीं मानते, बौद्ध मत को लेकर भी उसको भी जो है ना हिंदू विचारक जो कोई भी महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं हो जिसका मूल उपनिषद ना हो, सारा चीज का वे कहाँ से आता है, उपनिषद से निकल के आता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे वो कौन, ब्लूमफील्ड ने कहा है, ठीक है, इसके माध्यम से। कहते हैं कि न्याय वैश्विक संख्या योग्य अद्वैत एवं विशिष्ट वेदांत आदि आस्तिक मत तथा जैन और बौद्ध आदि नास्तिक मत के प्राय सभी जो है मुख्य सिद्धांत उपनिषदों में नहीं थे। देखिए मतलब ये समझना आप लोगों को कि जितने भी बौद्ध धर्म हुए, जैन धर्म हुए, या फिर सांख्य दर्शन वाले आदमी हो गए, या विशिष्ट द्वैत हो गए, जितना भी है, ठीक है, सारे कहीं ना कहीं कहाँ से इंक्लूड है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, सभी उपनिषद से जुड़े हुए हैं, ये वो इस लाइन का मतलब हुआ, ठीक है। आगे देखिए कहते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनान माद का मूल रूप जो है कठोपनिषद में मिलता है। अगर इसका देखिए बौद्ध धर्म का अत्यंत रूप देखिए मूल रूप इसका, तो हमें कहाँ से मिलता है, कठोपनिषद से मिलती है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कठोपनिषद से मिलती है। पता है जहाँ का यह कहा गया है कि मनुष्य के मर जाने पर जो है हमें यह संदेह होता है कि वह रहता है अथवा नहीं रहता है, मतलब कभी कभी होता है ना आदमी मर गया फिर भी लगता है कि आसपास ही रहता है, ठीक है,
तो बुद्ध के दुखवाद का आधार जो सर्व दुखम था, क्षणिकवाद का, सर्व क्षणिकवाद जो उपनिषदों के वाक्य में मिल जाता है। कहते हैं कि बुद्ध के जो है ना दुख के आधार पर कहा जाता है कि सबसे बड़ी दुख क्या वही चीज है जिस पे आदमी क्या करता है, संदेह रहता है कि ऐसा बात हो जाएगा कहीं, तो वो सबसे बड़ी दुख है। ठीक, कहते हैं कि सांख्य दर्शन के त्रिगुणमयी प्रकृति का वर्णन जो हम लोग श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। किस चीज का? सांख्य दर्शन के त्रिगुणमयी प्रकृति का वर्णन हम लोग को कहाँ पे मिलती है? श्वेतांबर उपनिषद में मिलती है। उपनिषद के प्रकार हो गए। ठीक है, कहते हैं इसी उपनिषद में जो हम लोगों को योग यानी कि योगासन जो करते हैं, जितना व्यायाम करते हैं उसके बारे में, अष्टांग मार्ग का भी वर्णन मिलता है। किसमें? श्वेतांबर उपनिषद में। ठीक है, कहते हैं कि शंकर का जो है निर्गुण, शंकर जी का जो निर्गुण हो गया, ब्रह्म संबंधी विचार छांदोग्य उपनिषद में क्या कहता है मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ब्रह्मा का जो है निर्गुण, अति शिव शिव का, शंकर का निर्गुण हो गया, ब्रह्मा संबंधी जितना विचार हो गया वो सब हम लोग को छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। और इसी उपनिषद में जो आप लोगों को शंकर के आत्मा और ब्रह्मा के जो है संबंध का भी सिद्धांत कहाँ पे मिलता है हम लोगों को? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखो हम वहाँ पे तो कलर ही कर दे, फिर तुम लोग देखोगे कैसे। रुको, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, रबर ले लेते हैं, चलिए यहाँ छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, तुम लोग ब्रश थोड़ा सा मोटा हो गया है। चलिए हटो यहाँ से, तुम जल्दी यहाँ से हटो, पता है ना वही से, चलो यहाँ से। अब ठीक है, तो उपनिषद में जो है मायावाद का सिद्धांत भी यत्र तत्र मिल जाता है आप लोगों को। कहते हैं कि शंकर की जो है तरह रामानुज का दर्शन भी उपनिषद पर आधारित है। रामानुज का भी दर्शन अगर देखें तो किस पर आधारित है? उपनिषद पर आधारित है। अतः जो संपूर्ण भारतीय दर्शन का बीज जो है उपनिषदों के अंतर्गत ही निहित है, इससे उपनिषद की महत्ता प्रदर्शित होती है। उपनिषदों से जो भारतीय दार्शनिकों को मार्गदर्शन मिलता है। कहते हैं कि उपनिषद का जो लक्ष्य है वो मानवीय आत्मा को शांति प्राप्त करना है। और जब जब भारत में महान क्रांतिकारी हुई है तब तब यहाँ के दार्शनिकों ने उपनिषदों से प्रेरणा ग्रहण किया। देखिए मेन रूप से आप लोग को ये याद रखना है ना कि उपनिषद का महत्व ये है कि उपनिषद में जितना भी हम लोग का प्राचीन समय का कोई भी चीज़ हम लोग अवक्षेप में मिलता है या फिर अवशेष में मिलता है या फिर बड़े बड़े महापुरुष जो भी हैं सभी ने कहाँ से शरण लिया है? उपनिषद का ही शरण लिया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग को इसको क्या करना है, एक से दो बार इसको रिवीजन करो, कॉपी में लिखो, सारा कुछ आप लोग को आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको हम ब्रश से साफ करके आप लोग को पीडीएफ में डाल दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम में। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत, यहाँ पे सिर्फ पढ़ो, लिखने के लिए आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से ना लिख लेना। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं कि बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डालिए, भी बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के ऊपर प्रकाश डालना है। कहते हैं कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए? महात्मा बुद्ध ने किए। बुद्ध का जन्म अगर देखें तो 6 शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है हिमालय की तराई में स्थित आप लोग का जो है कपिल वस्तु, ठीक है, ध्यान रखिए कपिल वस्तु में जो है नामक स्थान के राजवंश में हुआ था, यानी कि राजा के परिवार में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम अगर देखें तो क्या नाम था? सिद्धार्थ था। राजवंश यानी कि राजा के बेटे के जन्म लेने के फलस्वरूप इनको जो है जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता पिता जो है पिता ने जो है विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद का प्रबंध किया, यानी कि बहुत टाइप का, जितना मतलब बच्चे को, जैसे राजा का बेटा है तो जब वो गरीब का बच्चा होता है लोग उसको दुख नहीं होने देते, तो राजा का बेटा है तो उसको कैसे दुख होगा बताओ, उसके लिए सारा चीज का व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है, ताकि जो है सिद्धांत का जो है सिद्धार्थ का जो मन विश्व की इधर उधर जो है मोह माया में तथा दुख की ओर आकर्षित ना हो। लेकिन जब वो क्या कहते महात्मा गांधी सॉरी महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया था उसी टाइम पे जो ज्योतिषाचार्य से उन्होंने बता दिया था कि ये जो है आपका रुकेगा नहीं बच्चा, ये घर से बाहर निकल जाएगा, उनका पिता जो थे वो चाहे कि इतना ज्यादा जो है ना इसको दुख रहने का कोई अथी नहीं रहने देंगे ताकि ये घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, इसको किसी चीज का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या वो अंतिम में 29 साल में घर से निकल ही गए? देखिए आप शॉर्ट में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि पिता के जो है हजार प्रयत्नों के जो है बावजूद सिद्धार्थ का मन जो संसार की दुखमय अवस्था की ओर क्या हो गया, जाने से ना बच सका। और कहा जाता है कि एक दिन घूमने के समय जब सिद्धार्थ ने एक रोगास्त व्यक्ति यानी कि एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा और एक जो है वृद्ध और शमशान की ओर ले जाए जाते एक मृतक शरीर को देखा। देखिए जब वो घूम रहे थे ना घर से बाहर,
उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ज्यादा क्या है, बीमार है और वो रोग से ग्रसित है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी को जो लोग सब शमशान लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, ठीक है, इस तरह से। तो जो इन दृश्यों को जब उन्होंने देखा राजमहल के आगे में, तो सिद्धार्थ के अंदर का जो फीलिंग था, हृदय पर अत्यंत क्या गहरा चोट प्रभाव पहुंचा। इन दृश्यों के बाद जो है बुद्ध को यह समझने में देर नहीं लगा कि संसारी के दुख के जब वो क्या है अधीन है, संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए। बस वो सोचना वहीं से क्या कर दे, शुरू कर दिए, ठीक है। और जो है यह चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी। धीरे धीरे दुख के समाधान को ढूंढने के लिए वो क्या कि एक दिन वे आधी रात को जो है अपनी पत्नी यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनका नवजात जो बेटा हुआ था उसका नाम क्या था, राहुल था, ठीक है, राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े तथा उन्होंने जो है संन्यास को अपनाया अपने जीवन में। कहते हैं इस प्रकार जो पत्नी का प्रेम, पुत्री की महत्ता, महल का वैभव एवं विलास का आकर्षण सिद्धार्थ को संसारिक की ओर डोर में बांधने से असमर्थ साबित हुआ और वो क्या कि वहां से निकल गए, ठीक है। तो सारा मोह माया सब कुछ त्याग के वो कहाँ घर से निकल गया आधी रात को। कहते विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलने के बाद जो उन्हें ज्ञान मिला, उन्होंने जीवन के जो सत्य के दर्शन हुए, तत्व ज्ञान की अर्थात बोधि प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें बुद्ध जो है संज्ञा उन्हें दी गई। जब उन्हें ज्ञान मिल गया सारा कुछ, तो उन्हें किस चीज का संज्ञा दिया गया, बुद्ध की संज्ञा दी गई, ठीक है। और इस नाम के अतिरिक्त उन्हें जो है जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानता था, अर्थता की संज्ञा उन्हें मिली है, ठीक है। कहते हैं कि सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने संदेशों को क्या किया, जनता में जो है पहुंचाने का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। संकल्प उन्होंने ले लिया कि हम सभी को जो है शिक्षित करेंगे, सभी को समझाएंगे दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, संसारिक मोह माया से दूर होने के लिए, ठीक है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब उन्होंने घूम घूम कर सब जगह पे क्या किया, उपदेश देना शुरू किया। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, आप लोग को पता ही होगा। कहते हैं दुख के कारण और दुख दूर करने के उपायों पर जो है प्रकाश डालते उन्होंने दुख से त्रस्त मतलब दुख से ग्रसित आदमी को जो उन्होंने दुख से छुटकारा पाने का उन्होंने क्या क्या तरीका बताया। बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म सर्वप्रथम जब भारत में फैला, धीरे धीरे आदमी उनके बात को समझा, नहीं सही बात है, सभी आदमी उसको जो है क्या गुरु मानना शुरू कर दिया। तो बौद्ध धर्म के भारत में जो है पनपने का मूल कारण उस समय के प्रचलित धर्म के प्रति जो है लोगों का असंतोष था, ठीक है। यानी कि उस समय पहले दूसरा धर्म था, लेकिन कुछ कुछ आदमी इसको मान रहा था, लेकिन उतना कन्फर्म नहीं मान रहा था कि नहीं वाकई में ये बात सही है, बौद्ध पर उतना लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो उस समय जब भारत में ब्राह्मण हो गया धर्म का बोलबाला, सबसे ज्यादा किस धर्म का बोलबाला था, ब्राह्मण धर्म का, ठीक है। पर जिसमें आप लोग का बलि प्रथा की प्रधानता थी उस टाइम पे, कहते पशु यहाँ तक विकसित होने के बाद जो आदमी बौद्ध धर्म जो अहिंसा पर आधारित था भारत में लोकप्रिय होने का दावा कर सका। और यहाँ पे देखिए सब चीज था ब्राह्मण जाति पे, ठीक है, बलि प्रथा पे था कि लोगों जैसे जानवर को काट के भगवान को चढ़ा जाता, लेकिन बौद्ध धर्म जो था वो क्या था अहिंसा पे, हिंसा नहीं करना सिखाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जा क्या हुआ, बौद्ध धर्म का बोलबाला सब जगह पे हो गया। कुछ जो है समय बाद यह धर्म जब भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह निरपों एवं भिक्षुओं की सहायता से दूसरे देशों में भी क्या हुआ फैला। और इस प्रकार जो धर्म का विकास सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और आज हम लोग उन्हें जब महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ बौद्ध धर्म की जीवनी, उनके पूरा विस्तार, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, तो ऐसे छाप देना, ठीक है, पूरा कहानी को। चलो 23 नंबर को आगे देखते हैं, पेज में क्या है कि धर्म और अधर्म से क्या तात्पर्य, व्हाट डू मीन धर्म एंड अधर्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बात निकल आता है कि धर्म और अधर्म जो है अर्थ जो है पुण्य और पाप होता है, ठीक है। परंतु जैनों के ने जो है धर्म और अधर्म प्रयोग जो है विशेष अर्थ में किया है। अगर हम देखें तो धर्म अधर्म का अर्थ क्या होता है, पुण्य और पाप होता है। लेकिन अगर हम देखें जैन धर्म इसके बारे में क्या कहता है, तो उसका अर्थ जो है क्या कहता है, विशेष अर्थ में क्या है, किस अर्थ में, तो उसको देखिए कहता है वस्तुओं को जो है चलायमान रखने के लिए जो आवश्यक सहायक द्रव्य की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कहते उदाहरण स्वरूप अगर मछली जल में तैरती है, परंतु मछली का जल में जो है ध्यान से सुनिएगा, तैरना जो है सिर्फ मछली के कारण ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है अनुकूल आधार या फिर जल के कारण ही संभव हो पाता है। यानी कि अगर मछली तैर पाती है तो उसमें पानी रहेगा तभी ना, समतल रहेगा तभी ना तैर पाएगा। यदि जो है जल नहीं रहे तब मछली तैरेगी कैसे, गति के लिए जिस सहायक वस्तु की जरूरत
सहायता होती है, यदि आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्म कहा जाता है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में जल जो है क्या है, धर्म है, क्योंकि वह मछली की गति में क्या करता है, सहायता होती है। ठीक है, तो उसी तरह से अधर्म क्या होता है, धर्म का प्रतिलोम है, किसी वस्तु को हम लोग स्थिर रखने में जो है सहायता होती है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसको बेचने के लिए धर्म अधर्म दोनों प्रयोग किया जाता है, ये समझाना चाहते हैं इस एग्जाम्पल से, उसे अधर्म कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई थका हुआ व्यक्ति आराम के लिए वृक्ष की छाया में सो जाता है। ठीक है, वृक्ष की छाया पथिक को जो आराम देता है, लेकिन इसे ही अधर्म का उदाहरण कहा जा सकता है। जैसे क्या आता है कि दूसरे शब्दों में अगर देखें तो अधर्म उसे कहते हैं जो द्रव्यों के विश्राम और स्थिति में सहायक होता है। ठीक है, धर्म और अधर्म की यह सादृश्यता है कि वह निरंतर सत नित्य एवं स्वयं क्या होते, निष्क्रिय होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह आपका बीबीए क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्लाइड में क्या है, पुद्गल क्या है, बहुत ज्यादा बीबीए क्वेश्चन है। पुद्गल तो साधारणता जिसे भूत कहा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, लेकिन उसे जैन पुद्गल कहते हैं। क्या चीज होती, कहते हैं कि भौतिक द्रव्यों को पुद्गल कहा जाता है, जिसका संयोजन और विभाजन हो सके, यानी जिसका हम लोग जोड़ सके और तोड़ सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कि जैन के अगर अनुसार देखें तो वही पुद्गल होगा। पुद्गल या तो क्या हुआ, अणु की शक्ल में रहता है, या फिर स्कंधों की शक्ल में रहता है, यानी कंपाउंड की शक्ल में दिख पड़ता है। ठीक है, कहते हैं कि अणु पुद्गल का वह अंश होता है जिसका विभाजन नहीं हो सके, यानी कि अणु जो है सबसे छोटा पार्ट होता है किसका, पुद्गल का। ठीक है, कहते हैं जब हम किसी जो है वस्तु का विभाजन करते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो अंत में एक ऐसी अवस्था आपत्ति है जहाँ पे वस्तु का क्या विभाजन संभव नहीं हो पाता है। सही बात है, तो उसी अविभाज्य अंश को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक अणुओं के जो है संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, और स्कंदों का विभाजन करते करते अंत में क्या अणु की प्राप्ति होती है। तो कि पुद्गल स्पर्श रस गंध और रूप जैसे गुणों से युक्त होता है। कहते हैं कि जैन के द्वारा शब्द पुद्गल का गुण जो है नहीं माना जाता है, शब्द वे स्कंधों का जो है आगुंतक गुण होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन 3 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, जिसको आंसर को आप लोग डिटो ऐसे फंसा देना है। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं भारतीय संस्कृति की विश्व की देन पर विवेचना करें। भारतीय संस्कृति का जो विश्व को क्या देन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन टू द ओल्ड इंडियन कल्चर। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं क्या चीज इस पे है भारतीय संस्कृति का विश्व में देन। तो देखिए, आप कहते हैं कि भारतीय संस्कृति लगभग जो है समस्त विश्व खास करके एशिया में फैली और अपना प्रभाव जो है थोड़ा हुआ है। क्या चीज, भारतीय संस्कृति। कहते हैं कि 5वीं ईसा पूर्व में जब भारत के व्यापारी लंका में जाकर बस गए थे। ठीक है, कहते हैं अशोक के समय में तो बौद्ध मत यहाँ पूर्णतः छा गया था, कहाँ, पूरे भारत में। ठीक है, कहते हैं भारतीय व्यापारी मलाया सुमात्रा और पास के अन्य द्वीपों में जो है बस गए थे। कहते हैं वहाँ के निवासियों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। देखिए, पहले समय में क्या था, सभी आदमी बिजनेस करते थे, जितने भी दूसरे देश के आदमी हो, कहाँ, जैसे भारत में विदेशी कौन आया था, अंग्रेज आया था यहाँ पे, क्या चीज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तभी तो हमारे ऊपर आक्रमण कर लिया। ठीक है, कहते हैं 4वीं ईसा पूर्व में तो संस्कृत उन द्वीपों की राजभाषा बन गई थी और उन राज्यों की जो सामूहिक शक्ति के प्रमाण जावा में बरोदपुर के स्तूप जो है और कंबोडिया के शिव मंदिर देते थे। ठीक है, तो प्रमाण ये देते हैं कि उस समय जो है संस्कृत भाषा का बोलबाला हो गया था, क्योंकि बोरोबड़ूर के स्तूप और कंबोडिया के शिव मंदिर जो उस चीज का साक्ष्य है कि नहीं, वास्तव में पहले समय में संस्कृत का बहुत ज्यादा क्या था, बोलबाला था और राजभाषा बन चुका था। ठीक है, कहते हैं कि चीन जापान कोरिया और तिब्बत की जो संस्कृतियां पर जो है भारत की छाप तो सबसे ज्यादा क्या है, अमिट है, यानी कि मिटने वाली कभी नहीं है, जापान कोरिया और तिब्बत पर। ठीक है, कहते हैं कि मुख्य देन अगर देखें तो संसार को जो है भारत ने जो दी है वह क्या है, शून्य। शून्य की अंक जो है किसको दिया है, भारत ने दिया है आर्यभट्ट ने। अंक जो है सत्वर गणन संख्याओं के गिनने के लिए जो है आधुनिक प्रणाली में जो है इससे पहले अंक को भिन्न भिन्न चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करने की रीति से बड़ी संख्याओं को जो है लिखने में बड़ी कठिनाई होती थी। लेकिन उदाहरण जैसे देखिए, फिनिशियन रीति ने 9 को जो है 9 लंबी लकीरों से लिखते थे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ यजुर्वेद संहिता अध्याय 17 मंत्र 2 में जो है इतना 1 पर 12 शून्य 10 खरब तक की संख्या जो है उल्लेख किया गया है। मतलब हम लोगों को जैसे जीरो का स्टार्टिंग हो गया तब से हम लोगों को जो है काफी सुविधाएं होगी। कहते हैं कि जबकि यूनानियों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का नाम क्या था, मीरियड रहता था।
जो कि 10,000 थी, और रोम की सबसे जो है बड़ी संख्या का नाम मिली था जो कि केवल 1,000 थी। कहते मोहनजोदड़ो में मिले सिक्कों के लेखों से जो है क्या पता चलता है, सो देखिए। तो सिक्कों से पर यह भी निश्चित हो गया कि मिस्र, यूनान आदि देशों के पूर्व पर भारतवासी जो संख्या को अंकों द्वारा लिखते थे, ठीक, अंक के द्वारा लिखते थे, ना कि शब्द के द्वारा। कहते हैं कि आर्यभट्ट का जो वर्गमूल, बीजगणित, वर्ग समीकरण एवं घनमूल जो है किसकी देन है, भारत की देन है, कि भारत ने सभी पूरे विश्व को दिया लेके जीरो का आविष्कार। हम लोगों को प्राउड फील होना चाहिए, गौरव फील होना चाहिए कि हम लोगों ने जीरो का आविष्कार करके सारे देश को जो है अपने अंदर कर लिया। कहते स्वयं अरबी लोग तो अंकों की हिंसा करते थे, किंतु क्योंकि उन्हें जो हिंदुस्तान से लिए हुए और इनसे जो है सीखने वाले पाश्चात्य लोगों को जो है अंकों ऑरिजिनिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। कहते भारतीय अंक प्रणाली का जो प्रसार यूरोप में 15वीं शताब्दी में हुआ और 17वीं शताब्दी तक समस्त यूरोप ने जो इसे अपना भी लिया। तो पाई का मान जो 3.1416 भारतीय आर्यभट्ट ने ही निकाला था, ध्यान रखिएगा, इतने ज्यादा महान थे। कहते मोहम्मद 1250 बिन मूसा ने जो है 925 में पाई का मान देते हुए यह लिखा है कि यह मान जो हिंदू ज्योतिषों का दिया हुआ है और पृथ्वी के सूर्य से चारों ओर घूमने का रहस्य उद्घाटन का श्रेय भी किसको जाता है, भारत को ही जाता है, कि भारत ने पता लगाता है कि सूर्य के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी चक्कर लगाता है। नहीं तो सब जगह कहता था कि पृथ्वी जो है सूर्य लगाता है इस तरह से, ठीक है। कहते हैं कि सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय को बिल्कुल ठीक आंकने का श्रेय भी किसको जाता है, हम भारतवासी को जाता है। हम लोग भारतवासी कहीं ना कहीं महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, तुम भी महान बन जाना, और वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा महान बन जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, बाकी कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन सारा इसको रट जाओ मेरे भाई, ठीक है, दिल से पढ़ो, ठीक है, हम बोलेंगे यही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, धन्यवाद।